अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज फेस्टिव सीजन स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मावा की रेसिपी है, जो बिल्कुल मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और तीन इंग्रेडिएंट से बनेगी। ऑथेंटिक मावा अगर हम बनाने जाते हैं तो बहुत देर लगता है, बहुत टाइम हमें घंटों किचन में बिताना पड़ता है, पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये मावा बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें डाल दिया है 1.5 लीटर दूध। अब ये दूध को हम थोड़ी देर पकाएंगे, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा इसे हम सिम करेंगे। सो पहले इसे हम बॉईल करते हैं। सो देखिए दूध हमारा बॉइलिंग होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच, ये मेरे पास बड़ा सा चम्मच है, 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। और घी डाल के भी हमें इसे लगभग 3 से 5 मिनट तक इसे और पकाएंगे हम दूध को। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है हम यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 कप मेरे पास मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर जो मैंने लिया है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, या अमूल का है, मेड नेस्ले या कुछ कोई सा भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और अगर इसको ग्राम्स में बताऊँ तो 200 ग्राम्स मेरे पास ये मिल्क पाउडर है। और अभी यहाँ पर हम 1 कप इसमें दूध डाल के इसे अच्छे से इसका मिक्सचर हम इसे तैयार कर लेंगे, इसका घोल, ताकि हम जब इसे दूध में डालें तो इसमें लम्स क्रिएट ना हो। सो इसे बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है दूध में, और फिर हम हमारे जो दूध हमारा जो बॉईल हो रहा है उसी में हम इसे पोर करेंगे। सो इसे पहले एक बहुत अच्छा सा इसे मिक्स देंगे। तो देखिए दूध को भी हमारे 5 से 7 मिनट हो गया है बॉइलिंग होते होते, और थोड़ा सा ये रिड्यूस भी हो गया है। सो ये जो हमने बैटर जो तैयार किया था मिल्क पाउडर का और 1 कप दूध डाला हमने, बहुत ही अच्छा सा स्मूथ एक हमने बैटर तैयार कर लिया। अब इसे हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे हमारे दूध में, और एक हाथ से चलाते जाएंगे और धीरे धीरे डालेंगे, ताकि इसमें हमारे लम्स क्रिएट ना हो और बहुत ही अच्छा सा इसका क्रीमी टेक्सचर हमारे दूध में मिल जाए। सो ये सारा हमने इसमें पोर कर दिया है, और बस इसे हम अब चलाते रहेंगे तेज़ आंच पे। हमें इसे लगातार से चलाना है। जैसे ही फेस्टिव सीज़न आते हैं हमें यहाँ से पता चलता है कि नकली मिठाई मिल रही है या नकली खोआ मिल रहा है, पर अगर हम खोआ अगर घर पे बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा जो है खोआ है उसमें हमने क्या क्या डाला है। और बहुत ही अच्छा और सिर्फ खोआ जो हमारा घर का बना हुआ है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, और हमें पता है कि हमारी जो भी चीज़ इसमें हम बनेंगे, हमारी मिठाई जो भी बनेगी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल प्योर चीज़ हमारी बनने वाली है। देखिए मिल्क पाउडर डाल के लगातार हमने इसे 10 से 15 मिनट तक पकाया है, और बीच बीच में हमने इसे हिलाते रहा, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम थिक होने लगी है, इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। अभी इसमें और 5 मिनट लगेगा ये, तब तक ये मतलब ये और अच्छे से सूख जाएगा, इसका जो भी एक्स्ट्रा इसमें और मॉइस्चर है वो ड्राई होने लगेगा, और धीरे धीरे ये पैन को छोड़ने लगेगा हमारा मावा। देखिए लगभग 5 से 8 मिनट में हमारा ये मावा जो है बहुत अच्छे से कुक हुआ है। इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट मावा हमारा बनके तैयार हुआ है। और अब मैं कर लेती हूँ गैस को बंद, क्योंकि अभी हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये हमारा देखिए पैन को छोड़ने लगा हमारा मावा। अभी इसे मैं जल्दी से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि ये फिर नीचे से लगे ना, और ये इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो देखिए इसका टेक्चर देखिए कितना खूबसूरत बना है ये, और कितना बेहतरीन है, और सिर्फ प्योरिटी है इसमें। सिर्फ हमने क्या डाला है इसमें, दूध और जो हमने मिल्क पाउडर डाला है उससे जो हमारा एक प्योर मावा बनके तैयार हुआ है। सो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बाउल में, और फिर इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। जब ये ठंडा होगा ना तो ये और क्रम्बल होगा और दानेदार हमारा मावा बनके तैयार होगा। सो देखिए मावा का टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत निकल के आया है, और ठंडा होने के बाद में ये काफ़ी हद तक हमारा जो है ये जम चुका है। तो देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको बताती हूँ, चम्मच से देखिए कितना दानेदार और कितना अच्छा सा ये बनके तैयार हुआ है। सो ये काफ़ी सारी रेसिपी में आपके काम आ सकेगा। आप इसके पेड़े बनाइए, बर्फी बनाइए, मिठाई बनाइए, खीर में डालिए, फेस्टिव सीजन को इंजॉय कीजिए बिना कोई वरी के। ना इसमें कोई मिलावट है, ना इसमें कोई हमने प्रिजर्वेटिव डाला है। इसे आप एयर टाइट में करके इसे आराम से हफ्ता भर तक इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम फ्रिज में। इसकी आप मिठाई बनाइए, पेड़े बनाइए, बहुत सारी चीज़ें इसकी बन सकती है। सो देखिए कितना अच्छा और कितना अच्छा हमारा मावा बनके तैयार हुआ है। सो
इसी तरह से आप बनाइए, फेस्टिव को इंजॉय कीजिए और खुश रहिए और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाइए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।